वो इस दुनिया में हैं भी या वो जिंदा हैं? आपके शोहर क्या काम करते हैं? जवाब दीजिए, अदालत जाना चाहती हैं? जी काम, मुझे नहीं पता वो क्या काम करते हैं। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड योर ऑनर, एक बीवी को पता ही नहीं है कि उनका शोहर क्या करता है, ये तो हैरत की बात है। वो हमसे अलग रहते हैं। तलाक लेकर? I'm sorry. दरअसल ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए था योर ऑनर। जब शादी ही नहीं हुई है तो तलाक कैसे हो सकती है? दरअसल कहानी क्या है योर ऑनर, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुन्नी को एक लड़के से प्यार हो गया, उसे शादी करना चाहती थी, वो भी इससे प्यार करता था, लेकिन मुन्नी शादी से पहले ही मां बन गई। अब लड़के को इस पे शक हो गया, उसे छोड़ के चला गया। योर ऑनर, अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए इस मुन्नी का क्या किरदार हो सकता है। आपने मुन्नी को तो काम पे रख दिया, क्या मुन्नी मेहनत से काम करती थी? जी नहीं, ये औरत ठीक से काम नहीं करती थी, काम चोर थी और छुट्टी भी बहुत करती थी। तो जाहिर सी बात है कि फिर आप पैसे काटते होंगे। जी पैसे तो काटे हैं, तभी तो आज इस अदालत में खड़ा हूं। पैसे नहीं काटे होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। यानी योर ऑनर, सारी बात पैसे पे आके खत्म हो जाती है। न ठेकेदार साहब पैसे काटते, न आज यहां कठेरे में खड़े होते। क्योंकि एक नाचने वाली को यह बात गवारा नहीं थी कि कोई उसके मजदूरी के पैसे काटे। वो ठेकेदार को नजरों से गिराने के लिए इस पे झूठा केस दायर कर दिया। योर ऑनर, यह औरत लालची है, पैसा कमाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी अदालत से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है योर ऑनर कि तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल मी लॉर्ड, योर विटनेस। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत से कुछ वक्त की मोहलत चाहती हूँ। ठीक है, आपको वक्त दिया जाता है। थैंक यू मैम। अदालत एक हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। वकील साहबा, किस्मत बार बार साथ नहीं देती। किस्मत पर भरोसा वो लोग करते हैं जिन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। अच्छा।
अच्छा बहुत अच्छा बोल लेती हो, लेकिन इंसान को बार बार बेवकूफ तो नहीं बना सकोगे। बेवकूफ को अपनी बेवकूफियों का पता नहीं चलता, वो बार बार बेवकूफियां करता रहता है। और आज आपने भी वही बेवकूफी की है, यही बेवकूफी आपकी हार की वजह बनेगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैंने कौन सी बेवकूफी की? मैडम जी, मुन्नी आओ बैठो। वो आपने मुझे बुलवाया था? हाँ, मुझे तुम्हारे शौहर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। क्या सोचने लगी? मैं क्या बताऊँ, और वैसे भी क्या करेंगी जानकर? देखिए, मुझे इस केस के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप मुझे साफ साफ पूरी बात बताइए। उनका नाम आबिद है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आबिद ने आपको क्यों छोड़ा? अपने माँ बाप के दबाव में आकर। जब मैं मुंबई में थी, हम वहाँ मिले थे, हमें प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। लेकिन जब उसके माँ बाप को पता लगा, तब एक कायर मर्द की तरह वो मुझे छोड़कर भाग गया। इस वक्त वो कहाँ है? पासी के गांव रामपुर में। हमारा आबिद से मिलना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारे पास कोई फोटो है उनकी? जी हाँ। ठीक है, तुम जा सकती हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं बुला लूंगी। अच्छा मैडम जी, मैं चलती हूँ। ठीक है। सलामुअलैकुम। अरे नसीर साहब, आप आ गए, मैं आपको ही याद करने वाली थी। अच्छा, ताजुब है। हमें एक पास के गांव जाना है, रामपुर, अभी। अभी? तो फिर चले। चलिए। सही मुश्किल सही।
हम आपको गिरने नहीं देंगे। गिरने नहीं देंगे, कम से कम हमें अपने पैरों पर खड़ा तो होने दीजिए। मुस्कान जी, आप कब की अपने पैरों पर खड़ी है? डॉक्टर साहब, हम अपने इन पैरों की बात कर रहे हैं। ले लो। ए भाई, ये आबिद कहाँ रहता है? सामने। ये यहीं पे इस वक्त? मैं देखता हूँ। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं दे रहा। अब क्या करें? किसी और से पूछते हैं। ओ भाई, ये आबिद कहाँ रहता है? ये घर। लेकिन घर पे तो कोई नहीं है। खेत पर है सर। उसके माँ बाप? वो भी खेत पर है। अब क्या करें? चलो खेत पे उसको ढूंढते हैं। पर यहाँ पे तो बहुत सारे खेत हैं, कहाँ ढूंढेंगे? अरे कहीं तो मिलेगा ना। ऐसा करते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलें। चलिए। क्या हुआ? बहुत थक गई हूँ। मैं भी थक गया। खुला आसमान कितना साफ और शफाफ लगता है ना, और चमकीला भी। देखा, कोयल भी हमारी बात से इत्तेफाक कर रही है। कितनी खामोशी है, कितनी सादगी, शोरों गुल से दूर, कुदरत के काफ़ी करीब। सकून के दो पल जिसको नसीब हो जाए वो किस्मत वाला है। शहरों में तो मेरा दम घुटता है, पर क्या करें, जो अहद उठाया है उसे पूरा तो करना ही होगा। एक बात बताओ, किस बात से आमाद होकर तुम ये मिशन, मुस्कान सेंटर चला रही हो? आए दिन अखबारों में रोज़ खबरें छपती रहती थी, औरतों को कमजोर समझकर दबाया गया। शादी के बाद शौहर और ससुराल वाले तंग करते हैं, औरतों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। इन्हीं सभी बातों ने मुझे औरतों की आवाज़ बनने के लिए आमादा कर दिया। खैर, आप मेरी छोड़िए, आप अपनी सुनाइए। आप कैसे डॉक्टर से समाज की खिदमत में आ गए? डॉक्टर तो अपने आप एक खिदमतगार होता है, और फिर जब उसकी खिदमत का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है तो लोग उसे पता नहीं क्या क्या बड़े नामों से नवाजने लगते हैं। कुल मिलाकर सिर्फ इतनी सी बात है कि लोगों के काम आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई काम करता हूँ तो दिल को जैसे सुकून सा मिलता है कि आज मैंने एक नेक काम कर दिया, और फिर जब आपका साथ मिला तो मेरी दिलचस्पी और भी जागने लगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ। आपने तो मेरा कद ऊंचा कर दिया। अजी, आपका कद हमेशा ऊंचा रहेगा। देखा, कोयल भी ये कह रही है। अच्छा, तो अब आप परिंदों की जुबान भी समझने लगे हैं। हम तो दिल की जुबान भी समझते हैं। क्या? अरे कहीं वो अभी तो नहीं? लगता तो ऐसे ही है, चलिए देखते हैं। अरे सुनो,
क्या तुम्हारा नाम आबिद है? जी। अच्छा, तो तुम ही आबिद हो? जी हाँ। तुम्हारे बेटे की शक्ल बिल्कुल तुमसे ही मिलती है, क्या तुम अपने बेटे को याद नहीं करते? जी नहीं। तुम्हारी बीवी मुन्नी तुम्हें रोज याद करती है, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? जी नहीं। तुमने अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया? क्या तुम उसके बारे में नहीं सोचते हो? जरा उसके बारे में सोचो, वो कैसे अपना गुजारा करती होगी? बेचारी दिन रात मेहनत करती है सिर्फ तुम्हारे बच्चे का पेट पालने का। खुदा ने तुम्हें इतनी अच्छी औलाद दी है, इतनी खूबसूरत औलाद दी है, जरा उनके बारे में तो सोचो जिनकी कोई औलाद ही नहीं होती, जो दिन रात जिंदगी भर सिर्फ औलाद के लिए दुआ करते रहते। तुम खुदा की दी हुई नेमत को ठुकरा रहे हो, गुनाह कर रहे हो गुनाह। और हाँ, एक बात जो मैं तुम्हें बताने आई, तुम्हारी बीवी मुन्नी की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है। क्या तुम्हारी बीवी बदचलन है? जी नहीं। लेकिन उसे तो अदालत में बदचलन ठहराया जा रहा है, सिर्फ एक तुम हो जो उसे बचा सकते। चलिए नसीर साहब। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम कल अदालत में नहीं पहुँचते हो तो वो मुजरिम बच जाएगा जिसने तुम्हारी बीवी की इज्जत लूटने की कोशिश की है। चलिए डॉक्टर साहब। मुस्कान, क्या लगता है आपको, आबिद गवाही देने आएगा? जरूर आएगा, अपने बेटे की चाह में वो जरूर आएगा, मेरा दिल गवाही दे रहा है। अच्छा, मेरे बारे में आपका दिल क्या गवाही दे रहा है? कुछ कहा आपने, तो चलें। चलो। बैठ जाइए। एडवोकेट मुस्कान, आपने अदालत से वक्त मांगा था, अदालत ने आपको वक्त दिया, आप अपने केस में क्या दलील पेश करना चाहते हैं? माय लॉर्ड, हमारे काबिल दोस्त ने कितनी आसानी से मुन्नी को दागदार बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगी जिससे कि सब साबित हो जाएगा कि मुन्नी एक शरीफ औरत है। आप साबित करके दिखाइए। योर ऑनर, इनके पास कोई गवाह नहीं है, ये खामखा अदालत का वक्त बर्बाद कर रही है। आपका गवाह कहाँ है? आपका गवाह कहाँ है? जल्दी से उसे पेश कीजिए। मैं आऊं जज साहब। आपको जो भी कहना है इस कटघरे में आके कहिए। माय लॉर्ड, ये मुन्नी के शौहर आबिद हैं, अब मैं आबिद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? क्या आप और आपकी बीबी अलग रहते हैं? जी। क्यों? मैंने अपने आप मुन्नी से शादी की थी, लेकिन मेरे घर वालों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि अगर मैंने मुन्नी को नहीं छोड़ा तो वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। आपके अलग होने की यही वजह थी या कुछ और भी? जी नहीं, यही वजह थी। क्या आपको मालूम है आपके एक बेटा भी है? वो बेटा आपका ही है ना? मेरा ही बेटा है। आपकी बीबी बदचलन है या फिर शरीफ औरत? शरीफ औरत। क्या
क्या आप हमारे गवाह से कुछ पूछना चाहेंगे? No more questions, Your Honor. ठीक है, आप जा सकते हैं। आपका कहना है कि मुन्नी कामचोर है। माय लॉर्ड, मैं आपको मुन्नी के हाथों के निशान दिखाना चाहूंगी। जज साहब, ये देखिए मुन्नी के हाथों के निशान। ये हाथों के निशान चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि मुन्नी कामचोर नहीं है। माय लॉर्ड, मुन्नी की आंखें देखिए, गौर से देखिए माय लॉर्ड, इसकी हड्डियां नजर आ रही है। एक मेहनत कश इंसान की जीती जागती तस्वीर है ये औरत। एक कमजोर और मजलूम औरत जिसकी मजबूरी का फायदा इस ठेकेदार ने उठाने की कोशिश की। इस ठेकेदार ने इस औरत की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इस ठेकेदार ने, ये इंसान के लिबास में एक भेड़िया है और इस भेड़िये को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे अदालत से इतना ही कहना है। डिफेंस लायर को कुछ कहना है? योर ऑनर, बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि मेरे मुवक्किल ने मुन्नी की इज्जत पर हमला किया। वकील साहबा अभी तक कोई भी ठोस गवाह पेश नहीं कर सके। चलिए योर ऑनर, हम मानते हैं कि मुन्नी एक शरीफ औरत है, लेकिन योर ऑनर, इसका मतलब यह हरगिज भी नहीं है कि मेरा मुवक्किल बदमाश है, गुंडा है, रेपिस्ट है। योर ऑनर, ये सरासर बेबुनियाद इल्जामात हैं। ये सारा खेल रचाया गया है। मेरे मुवक्किल ने पैसे इसलिए काटे क्योंकि उन्हें मजदूरी नहीं की, और इसी का बदला लेने के लिए मुवक्किल को फंसाया जा रहा। केस बिल्कुल साफ है योर ऑनर। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। माय लॉर्ड, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी इसके जुल्म के शिकार हैं और इन सभी ने अपने अपने बयान दिए हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, सब खामोश हो जाएं। तमाम गवाहों और सबूतों के बुनियाद पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है। गंदपुरा रोड पर ठेकेदार मकबूल ने मुन्नी की इज्जत पर हाथ मारने की कोशिश की है। यह अदालत मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए ताजराते हिंद RPC 357 के तहत 6 महीने की सजा बामुशक्कत कैद के साथ साथ 50,000 रुपये का जुर्माना आयद करती है। जेल काटने के साथ साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। यह अदालत यही बर्खास्त होती है।
मैंने कहा था ना, बेवकूफ़ को अपनी बेवकूफ़ियों का पता नहीं चलता है। वो बार बार बेवकूफ़ियाँ करता रहता है, जैसे कि आज आपने की, आबिद का जिक्र करके, जो मेरी जीत का कारण बनी। आप मुझसे बार बार एक बात पूछा करते थे कि मैंने आपका साथ क्यों छोड़ा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको उसका जवाब मिल गया होगा। आप मुजरिम का साथ देते हैं और मैं सच्चाई का। मुझ में और आप में यही फर्क है। सच कहा उसका। मैं तो वाकई अंधेरे में जी रहा था, कुएं की मेंढक की तरह। मेरी दुनिया बहुत ही छोटी थी, लेकिन आज मैंने लहराता हुआ समंदर देखा, जिसमें तूफान को झेलने की ताकत है। God bless you. Congrats. Thank you so much. Star, चले। चलो। ये लो चाबी। मुस्कान, ये लीजिए अपनी अमानत। अब मैं इसका क्या करूं? इसे आप अपने पास ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी ये सेल खरीदा है, देखो तो। बहुत अच्छा सेल है, लीजिए। इसे आप रख लो। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथों में बहुत अच्छा लगता है। अब कहाँ चले? मेरे घर। क्यों? वो मैं आपको अपनी अम्मी से मिलाना चाहता हूँ, उन्हें ये समझाने कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। चलिए भाई, मेरा तो काम ही यही है, क्योंकि मुस्कान किसी को दुखी नहीं दे सकती। सच? चुपके चुपके नजरों से इजहार।